हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं HTTPS SSL अपडेट्स के बारे में। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, इसके बारे में मैं आपको आने वाले अपडेट्स में भी बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि जो SSL सर्टिफिकेट अपडेट है, ये क्रोम के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप किसी वेबसाइट को क्रोम में, ब्राउजर में, सर्च इंजन पर खोलते हो, तो आपको वेबसाइट सिक्योर नहीं है, क्योंकि आपके जो वेबसाइट के URL में एस नहीं आ रहा। जैसे मान लीजिए, मैं आपको एक लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए आपने टाइप किया latest, करंट में जो वेबसाइट है latest news, इसमें सर्टिफिकेट नहीं लगा, क्योंकि अगर इसमें क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये जो खुल रही है वो बिगर एस पे खुल रही है। तो मैं आपको बता दूं इसका क्या इफेक्ट हुआ है। HTTPL सर्टिफिकेट ने ये कह दिया, अगर आपके साइट पे एस नहीं लगा तो आपकी साइट सिक्योर नहीं है, और सिक्योर नहीं है तो इसका मतलब आपको हम रैंकिंग नहीं दे सकते। गूगल साफ साफ कहता है, आपकी वेबसाइट को रैंकिंग अगर चाहिए, या रैंकिंग आपको तभी मिलेगी जब आप अपनी वेबसाइट को सिक्योर कर लेंगे, क्योंकि गूगल नहीं चाहता कि वो किसी यूजर को ऐसी वेबसाइट हाथ लगने दे जो कि अनसिक्योर हो, यानी कि बगैर HTTPS वाली हो। अगर आप अपनी वेबसाइट में HTTPS का इस्तेमाल करेंगे तो हो सकता है जो रैंकिंग आज आपको मिल रही है उसकी रैंकिंग में थोड़ा परिवर्तन आए और रैंकिंग आपकी बढ़ जाए, क्योंकि ये भी एक कहीं ना कहीं फैक्टर है जो आपकी वेबसाइट को कहीं ना कहीं से कमजोर करता है और कहीं ना कहीं से आपकी रैंकिंग में अफेक्ट डालता है। आपको HTTPS का ध्यान रखना है, और गूगल ने अब एक नए अपडेट के अकॉर्डिंग, जो मैं आने वाली वीडियो में बताऊंगा, उसके अकॉर्डिंग गूगल ने अब आपकी वेबसाइट को दिखाना भी स्टार्ट कर दिया है। अगर आप क्रोम पे अपने वेबसाइट को खोलोगे तो आपको यहाँ दिखेगा एक नॉट सिक्योर का ऑप्शन दिखेगा। मान लीजिए इसको मैं अगर खोलता हूँ तो यहाँ पे मेरे को नॉट सिक्योर का, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लिखा है नॉट सिक्योर, ये वाला आइकन आपको दिखेगा अगर आपकी वेबसाइट में एस इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। तो आशा करता हूँ दोस्तों, अब आप अपने वेबसाइट में SSL सर्टिफिकेट का यूज करेंगे, जिससे कि आपकी वेबसाइट में HTTPS का इस्तेमाल हो सके। और आने वाली वीडियो में आपको अनेक अपडेट्स के बारे में बताता रहता हूँ और बताता रहूंगा। इस वीडियो को लाइक करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए, हमारे वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।